अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन जी, शायद भगवान जी ने हमारा भाग्य यही तय किया है। अगर बात भाग्य के भरोसे की है तो भाग्य तय करना भी तो भगवान के हाथ में ही है ना। और क्या ये भगवान का संकेत नहीं है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? पहन लो सुमन। रंगों के बिना जिंदगी अधूरी है सुमन, और तुम तो रंगों से दूर रह ही नहीं सकती। बाबूजी, कुछ पता तो नहीं चल रहा इन दोनों के बारे में, लेकिन ये वीडियो हम तक पहुंच गया। पता नहीं ये वीडियो हमारे फैमिली ग्रुप में भेज कौन सकता है। दादाजी, पता नहीं किसी अनोन नंबर से आया। जिसने भी ये वीडियो भेजा है उसे जरूर पता होगा दोनों कहाँ हैं। बाबूजी, सब लोग बातें तो ऐसे करे जैसे कुछ कुछ हुआ ही नहीं है, किसने कुछ देखा ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ये दोनों हैं कहाँ, सवाल ये है कि दोनों ने किया क्या है।
अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बने, वरना किसी लड़की का इलाज हो ही नहीं पाता। नहीं बेटा, इसे परेशान नहीं होते बेटा, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सुमन दीदी को। अंशुमन ले तो आएंगे सुमन को सही सलामत, लेकिन वो रह नहीं पाएगी सही सलामत। चलना चाहिए। हाँ, इस वक्त हमें सवारी भी मिल जाएगी, चलते हैं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो शिरीष ने सुमन की बॉडी पर बम बांध दिया था। ब्लास्ट होने ही वाला था और क्या बदतमीजी है तानिया, पागल हो गई हो तुम, क्या करी हो ये? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। होने वाले पति हैं आप मेरे, ऐसे कोई भी आप पे डोरे डालेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तानिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो अब ठिकाने पर आया है अंशुमन, अभी तक तो सिर्फ मुझे शक था, लेकिन आज इसे यहाँ देख के यकीन हो गया। कुछ दिन पहले जब मैंने आपके रिश्ते पर सवाल उठाया था तो मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया था, मुझसे माफी मंगवाई थी हाथ जोड़कर इससे। अब मैं देखना चाहती हूं कि ये क्या करेगी। और किसने भेजा ये वीडियो? ये किसने भेजा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बड़के बहुआ। जो उसमें दिख रहा है उसको कैसे झुठला सकते हो बोलो? माँ,
क्या आपको भी लगता है कि जो उस वीडियो में दिख रहा है वो सच है? मां ब्लास्ट होने के बाद हम लोग पीछे के रास्ते से कूदे थे और उसके बाद पता नहीं कितनी देर तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो सुमन बहुत जख्मी थी। इस वीडियो में जो भी दिखाया वो सब गलत है मां। मैं सुमन के घाव पे मरहम लगा रहा था और कुछ नहीं। लेकिन अंशुमन, तुम्हारे इस मरहम ने हम सबको जख्म दे दिए। बाबूजी हम कह देते हैं ये सब ना बहाना है, बहाना। और ये बहाने का ना सबूत है सुमन का ही रंगीन कपड़ा। इसके बारे में भी कुछ कहना है तुमको बड़के बहुआ? कोई सफाई देनी है? इसके बारे में मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिस नजरिए से आप देखती हैं वहां सच की आंख पर सफेद पट्टी बंधी है, इसलिए आपको कुछ दिखेगा नहीं। और इस बात को लेकर मेरा जो नजरिया है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़के बहुआ, तुम्हारा नजरिया ना हमको तो सफेद पट्टी के पीछे से भी एकदम साफ साफ नजर आ रहा है बड़के बहुआ। और आज इन दोनों को साथ साथ देखकर एक बात तो साफ हो गया है और साबित भी हो गया है कि इन दोनों के बीच कुछ तो रिश्ता है, कोई नाजायज रिश्ता। बस कीजिए बड़ी माँ, और बस कीजिए आप सब लोग। बाबूजी भाभी क्या बोल रही हैं? साफ देखना तो दूर, आपसे तो इंसाफ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। छी बड़ी माँ, कितनी घटिया सोच है आपकी। बस अंशुमन, इस बात की जिम्मेदारी अगर तुम नहीं लेना चाहते तो सुमन हमें बताएगी। बताओ सुमन क्या हुआ था, बोलो कितनी सच्चाई है इस बात में। आप सुमन से क्या पूछ रही हैं मां? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए ना, क्या आपको लगता है कि सुमन ऐसा कुछ कर सकती है? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? अंशुमन क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो पूरे परिवार को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। बोलो इसे कोई झुठला सकता है? बोलो कोई झुठला सकता है इसे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? सुमन दीदी, वाह, शादी तो हुई नहीं लेकिन राय बहादुर खानदान पर दो अनाथ बच्चों का बोझ जरूर पड़ गया। तान्या रस्तोगी, आपने हमें धक्का मारा, हमें इस चीज का बुरा नहीं लगा। हमें तो इस बात का बुरा लगा है कि आपने इन बच्चों को अनाथ और बोझ का, और इस बात का भी बुरा लगा है कि आपने हमारे और अंशुमन जी के रिश्ते पर दाग लगाने की कोशिश की। अगर आज हम ये सह लेते तो ये आरोप सही साबित हो जाता, लेकिन गलत हमेशा गलत ही होता है। सब बहुत हो गया, अब सच और झूठ के बीच में फैसला करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि झूठ का फन ऐसा फैला हुआ है कि आज एक माँ के मन में भी सवाल खड़ा हो गया है। अंशुमन जी, आप बहुत अच्छे बहुत बड़े दिल वाले आदमी हैं। आपने हमेशा हमारी उम्मीद से आगे आकर ही हमारी मदद की है, इसमें हमारे परिवार का भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब अग्नि परीक्षा देने की बारी आती है तो हर बार हर युग में सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी होती है। हम अब तक बर्दाश्त करते रहे लेकिन बस
बस अब नहीं कर सकते बर्दाश्त, बस हो गया। सुरभि माँ आपको राम कहती है अंशुमन जी, लेकिन यहाँ तो लोग राम के दामन पर दाग लगाने से ही नहीं चूक रहे हैं। हमारा दिल जानता है कि हमने अंशुमन जी को लेकर सपने में भी कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन अब हम और सफाई नहीं देना चाहते। बस अब ये मामला, ये रिश्ता सब आज के आज ही खत्म हो जाना चाहिए। ये सारे सवाल भी खत्म हो जाएं। आज से हमारे लिए ये घर, सुरभि माँ, अंशुमन जी, ये परिवार बस हमारी यादों में रहेगा, लेकिन हम यार नहीं होंगे। हम चले जाएंगे यहां से, ये घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। बस साथ लेकर जाएंगे तो अपने नंदन की यादें। आज के बाद हम इस घर के लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब हम और सफाई नहीं दे सकते और ना ही और सफाई देना चाहते। हम सुमन झा आज ये घोषणा करते हैं कि आज और अभी से इस परिवार के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। नहीं, नहीं बेटा सुमन, आज से हमारे लिए ये घर, सुरभि माँ, अंशुमन जी, ये परिवार बस हमारी यादों में रहेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं होंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से, ये घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। भैया, मैंने कभी भी आपको ऐसे परेशान, निराश होते नहीं देखा है। और आपको पता है इस फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? आप इसके खुद हो कारण अंशुमन भैया, आप खुद। आपने मुझे मेरी परेशानी से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास किए, भले माँ समझे या ना समझे, घर वाले समझे या ना समझे, पर मैं जानती मेरे अंशुमन भैया किसी भी हालत में निराश नहीं हो सकते। और मैं आपको ऐसे देख नहीं पा रही हूँ अंशुमन भैया। आती है डायरी। अंशुमन भैया मैं आपसे छोटी हूँ, पर आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। जब मैं आपके कमरे की सफाई करने आई थी तब ये डायरी मुझे मिली, और आपको पता है इसका हर पन्ना क्या कहता है? कि आप पहले दिन से सुमन से प्यार करते हैं भैया। आरती, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, तुम्हें पता है ना ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ते। सॉरी अंशुमन भैया, मुझे आपकी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, पर मैं जब आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो ये डायरी गिर गई थी, जिसका एक पन्ना खुला रह गया था और उस पन्ने पे सुमन के बारे में कुछ लिखा था। मेरी नजरें सिर्फ दो लाइनों पे गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब ये पूरी डायरी मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं से भी गलत। अंशुमन भैया, ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया है ताकि मैं आपको और सुमन का कुछ मदद कर पाऊं, आप दोनों के दुखों को दूर करने की ही कोशिश कर पाए भैया। बस करो आरती, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? भैया, जो मैंने महसूस किया, माना कि नंदन ने सुमन को प्रपोज किया, ये सही है? क्या आपके दिल में सुमन के लिए कोई जगह नहीं थी? भारती,
उसी के भाई। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जब आपके दिल में सुमन के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं तो इस डायरी का क्या काम? तो इसे हम खुद ही ले जाके जला देते हैं। आरती, आरती मेरी बात सुन। आरती ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? भैया, इस डायरी में तो सिर्फ आपकी फीलिंग्स लिखी हुई है। इसे आप दबा लेंगे, लेकिन उस एहसास का क्या जो आप महसूस करते हैं? भैया, भगवान भी यही चाहते हैं कि आप और सुमन एक हो जाए। जब भी सुमन को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसे बचाने चले जाते हैं, और वो आपको बचाने ना चाहती। अंशुमन जी, प्लीज सुनिए ना। आप दोनों एक दूसरे की जरूरत है भैया। आपको ये बात कब समझ में आएगी? मुझे कुछ नहीं समझना आरती, कुछ नहीं। आप सब समझ रहे हैं अंशुमन भैया, बस ना समझने की एक दीवार खड़ी कर दी है आपने। आपको कुछ समझना ही नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ, मेरे अंशुमन भैया जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, बस एक एक बार अपने दिल की भी सुन लीजिए, प्लीज सिर्फ एक बार।